आप देखते हैं कूलम्स लॉ से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन क्या है कि टू चार्जेस इज इक्वल टू माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू सेम साइन है, इक्वल साइन, इक्वल मैग्नीट्यूड है, आर हेल्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, एज्यूम करते हैं यहाँ पे Q1 है, इसका वैल्यू Q, इसका Q2, दोनों एक डिस्टेंस मतलब आर डिस्टेंस में रखा है, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, इसका साइन नहीं पता है और लिखा गया है सिर्फ ए चार्ज, थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड एक्जैक्टली मिड वे, ये चीज़ पता है कि ये डिस्टेंस आर बाई टू के फॉर्म में है फ्रॉम ईच अदर बिटवीन दैम, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ क्यू सो दैट सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम। तो पहला पॉइंट ये हमको जानना पड़ेगा कि ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम इफ़ नो चार्ज ऑफ द सिस्टम्स एक्सपीरियंस एनी फोर्स, मतलब यहाँ पे जो ए जो है, ए दो फोर्स मिलेगा, इधर एक फोर्स मिल सकता है, ये पॉजिटिव लेंगे तो, अगर नेगेटिव लेंगे तो इस साइड होगा, तो इसमें क्या होगा कि जो फोर्स नेट फोर्स होगा, इसमें नेट फोर्सेस होगा, इसमें नेट फोर्सेस, ऑल थ्री नेट फोर्सेस आर इंडिविजुअली इक्वल, देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज क्यू को पहले देखते हैं। तो चार्ज क्यू के लिए दो चीज़ हो सकता है कि क्यू आइदर बी पॉजिटिव और क्यू आइदर बी नेगेटिव। तो हम लोग पहले पॉजिटिव साइंस को लेके एनालिसिस करते हैं, अगर हम लोग इसको पॉजिटिव साइन को लेते हैं दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अगर नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन लेंगे तो पहले हम लोग फोर्स एनालिसिस करते हैं कि किस तरह का फोर्स लगेगा, क्यू पे अगर पॉजिटिव साइन लिया गया है तो इसके इधर एक फोर्स लगेगा, दैट इज़ एफ ऑन सी ड्यू टू ए, इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ ऑन सी ड्यू टू बी। अब यहाँ पे एफ सी ए क्या होगा कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर बाई टू स्क्वायर एन कैप ले लेते हैं, अगर इसको एन कैप लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस एन कैप डायरेक्शन, इसको पॉजिटिव लेते हैं तो इधर इसको नेगेटिव लेते हैं एक सेक्शन में, तो यहाँ पे एफ सी ड्यू टू बी इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर बाई टू स्क्वायर एन कैप माइनस में होगा, तो नेट जो फोर्स ऑन क्यू जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एफ सी ए माइनस नहीं प्लस हो जाएगा एफ सी बी, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा तो ये जीरो, तो ये पॉजिटिव साइंस के लिए वैलिड हो रहा है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। सेकंड केस क्या है कि अगर हम लोग नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव ले रहे हैं, इसके नेगेटिव के कारण क्या है कि इधर लग जाएगा एफ सी ए और इस डायरेक्शन में लगेगा एफ सी बी, तो इसमें भी वही निकालेंगे, एफ सी ए इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर बाई टू स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एन कैप, इधर अगर एन कैप लेते हैं तो यहाँ पे एफ सी बी ये हो जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू आर बाई टू स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एन कैप, इसमें भी माइनस एन कैप लिखा हुआ है, ये माइनस है, तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एफ ऑन क्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ सी ए प्लस एफ सी बी, सी बी बोथ मैग्नीट्यूड आर इक्वल एंड डायरेक्शन आर अपोजिट, देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो। अब यहाँ पे क्यू में कुछ भी चार्ज रखेंगे तो हमारा क्या होगा, फोर्स जो होगा क्यू में, तो दोनों में केस में ये क्या हो सकता है, बैलेंस होगा, मतलब यहाँ पे साइन कुछ भी रखेंगे तो मैग्नीट्यूड के साथ में। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस हम ले रहे हैं, सेकेंड केस क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज ए, एज्यूमिंग क्यू इज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे चार्ज ए को देखते हैं, इससे हम लोग निकालते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, इसका पॉजिटिव चार्ज को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे देखिए तीन तरह का फोर्स होगा, दो तरह का, एक फोर्स किधर होगा, एक फोर्स इस साइड में होगा, दैट इज एफ ऑन ए ड्यू टू सी, और इस साइड एक फोर्स ये ड्यू टू सी नहीं ड्यू टू बी होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स होगा, और एक इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, दैट इज एफ ऑन ए ड्यू टू सी। तो यहाँ पे क्या होगा कि F ऑन A ड्यू टू C इक्वल टू लेते हैं K कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन R बाई टू स्क्वायर एन कैप, और F
ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल टू जगह के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर एन कैप, ये एन कैप का डायरेक्शन नेगेटिव होगा, इधर एन कैप ले रहे हैं तो इधर माइनस एन कैप होगा, आई कैप भी लेके यूज़ कर सकते हैं। नेट फोर्स जो होगा एट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ए सी प्लस एफ ए बी। अब नेट फोर्स इक्वल टू जीरो दिया गया है क्योंकि इक्विलिब्रियम के कारण, देयरफॉर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाय फोर एन कैप माइनस के क्यू स्मॉल कैप आर स्क्वायर एन कैप विल बी जीरो। यहाँ पे क्या होगा, क्यू फोर क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय आर स्क्वायर, देयरफॉर क्यू इक्वल टू क्यू बाय फोर, ये इसका आंसर होगा। और ये पॉजिटिव साइन के लिए ही यहाँ पे वैलिड होगा, कारण यह है कि अगर नेगेटिव साइन लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं नेगेटिव साइन, इसके लिए यहाँ पे पहले पॉजिटिव साइन लेके किए हैं, एज्यूम करते थे पॉजिटिव साइन के लिए, इसी फोर्स सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं नेगेटिव साइन लेके देखेंगे तो क्या इसका सिस्टम ऑफ फोर्सेस होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन डिसाइड करेंगे, साइन डिसाइड करेंगे। जैसे क्या करते हैं कि इस सिस्टम को फिर से हम लोग कॉपी करते हैं और देखते हैं नेगेटिव लेके क्या होगा। अगर यहाँ पे हम लोग इसको नेगेटिव ले लेते हैं, ये चार्ज नेगेटिव हो गया, तो सिस्टम ऑफ फोर्स देखेंगे ऑन ए। ऑन ए में क्या होगा कि इसमें जो फोर्स जो होगा, फोर्स किस तरह का फोर्स होगा, देखिए ये जो फोर्स होगा यहाँ पे, ये होगा फोर्स एफ ऑफ ए एफ ऑन ए ड्यू टू सी, इस डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे जो फोर्स होगा ये डिस्टेंस कम होने के कारण ये छोटा फोर्स होगा, ये फोर्स कौन सा होगा, इस डायरेक्शन में एफ ऑन ए ड्यू टू बी। अब ये इसका जो वेक्टर का डायरेक्शन दिया गया है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसका भी कुछ लॉजिक लिखा गया है। यहाँ पे एफ ए बी लिया गया है, यहाँ पे एफ ए बी मॉड विल बी लेस बिकॉज एफ ऑफ सी ड्यू टू डिस्टेंस इज डिस्टेंस ए बी इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ए सी, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, ये भी इसका एक लॉजिक है। यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस इस तरह से होगा, ये फोर्स कौन सा है, दिस फोर्स इज ए ऑन सी, हेयर रिजल्टेंट जो फोर्स होगा एफ रिजल्टेंट विल बी एफ ए सी माइनस एफ ए बी, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर नेगेटिव साइन इज नॉट वैलिड। तो यहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा आंसर क्या होगा, चार्ज विल बी पॉजिटिव एंड वैल्यू मैग्नीट्यूड विल बी कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस क्यू बाई फोर प्लस क्यू बाई फोर, ये इसका आंसर होगा। अगर दोनों क्यू वन इक्वल टू माइनस क्यू होता, क्यू टू इक्वल टू माइनस क्यू होता, तो थर्ड चार्ज इक्वल टू प्लस क्यू बाई क्यू प्लस क्यू बाई फोर होगा, प्लस क्यू बाई फोर होगा। अगर क्यू वन इक्वल टू होगा प्लस क्यू, क्यू टू इक्वल टू होगा प्लस क्यू एंड क्यू फोर इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू बाई फोर, ये इसका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।